हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज वो दिन है जिसका इंतज़ार हर सीफर अपनी ज़िंदगी में करता है जब वो जहाज़ पे होता है, और वो है घर जाने का दिन। तो मैं भी कल फ्लाई कर रहा हूँ इंडिया के लिए, और कल मैं एग्जैक्टली 4 महीने कंप्लीट कर रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल मेरा सही समय पर साइन ऑफ हो रहा है, एकदम एक भी दिन ना आगे और ना एक भी दिन पीछे। तो 22 तारीख को मैं घर छोड़ा था, 22 जनवरी, 23 तारीख को जहाज़ पे आया था, तो उसके अकॉर्डिंग 21 तारीख को मेरा, 21 मई को मेरा 4 महीने कम्प्लीट हो रहा है, मेरा साइन ऑफ होना चाहिए। और एग्जैक्टली उसी दिन पोर्ट पे जहाज़ पहुंच रहा है और मैं कल साइन ऑफ कर रहा हूँ। शाम को फ्लाइट होगी, अब तक टिकट थोड़ी देर में आ ही जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा अपना पैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि कल पता नहीं समय मिले कि नहीं। 5 बजे सुबह तो जहाज़ पहुँच रही है, सुबह में बर्थिंग हो जाएगी, और फ्लाइट की एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं है वो कब हो, कितने बजे की होगी। तो मुझे उसके पहले से आज ही शाम को रेडी कर लेता हूँ। थोड़े बहुत जो कुछ कपड़े बचे हुए हैं उसको धोने के लिए डाल देता हूँ, और 1-2 घंटे में ये भी सूख कर रेडी हो जाएगा, फिर इसको भी पैक कर लूँगा। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो गया है और अब तक मेरा टिकट मिली नहीं है, सब कैप्टन के मेल पे आ गई होगी। और जहाज़ अभी पोर्ट पे पहुंच गया है, जस्ट अभी सुबह में पहुंचा होगा। आई डोंट नो कितने बजे, मैं तो सो रहा था जब जहाँ जहाँ पहुंचा है, और यहीं से हम साइन ऑफ करने वाले हैं। तो अभी फाइनली टिकट आ गया है, शाम के अभी 4 बज रहे हैं, 9 बजे फ्लाइट है और शाम को 4 बजे फ्लाइट की टिकट से आई है। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, डॉक्यूमेंट्स में अपना CDC पासपोर्ट कैप्टन से कलेक्ट कर लिया, और जो सी सर्विस होता है वो भी कलेक्ट कर लिया। तो और बस डॉक्यूमेंट्स को इस बैग में रखना है, और कैबिन सब ठीक है, साफ़ कर दिया है, थोड़ा बहुत से अरेंज कर दूँगा, अपने फ़ोन टैबलेट सब अपने बैग में रख के, और ये बैग हमारा रेडी है, जाने को हम रेडी है। मे बी 1 से 2 घंटे के बाद एजेंट का मैसेज आएगा कि हमें कब निकलना है यहाँ से, और सीधे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पास में ही, यहाँ से आई थिंक आधे घंटे का रास्ता है। और सबसे ज़रूरी अपने कैबिन को अच्छे से साफ़ करके छोड़ के जाना है, जिस तरह से ये जब मैं आया था, जिस कंडीशन में मुझे मिला था, मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम उस कंडीशन में छोड़ के जाए, इससे ज़्यादा कचरा करके ना जाए कैबिन को। जाने से पहले खाना खा लेते हैं, ये लास्ट डिनर है आज हमारा का। बैग पैक, अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, एजेंट ने हमें छोड़ दिया है, और पोर्ट से एयरपोर्ट आने में हमें तकरीबन 45 मिनट्स लगे। अभी समय 7 बज रहे हैं, हम समय से बहुत पहले पहुंच गए हैं, 9:20 की हमारी फ्लाइट है। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कतर की एयरलाइन से, बहुत अच्छी एयरलाइन से, और लाइन अभी लंबी है थोड़ी, तो बैग लगेज चेक इन करने की लंबी लाइन है, हम थोड़ा बहुत घूम कर लगेज चेक इन करके, सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर चले जाएंगे। और एयरपोर्ट का नाम है एडिलेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ की ड्यूटी फ्री में चीज़ें थोड़ी कॉस्टली है। एक ही चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, चॉकलेट जो कि बाई वन गेट वन फ्री है, तो वो डील मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं ये वाला खरीद लूँगा। और बाकी की शॉपिंग मैं करूँगा दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो मेरी पहली फ्लाइट है एडिलेड एयरपोर्ट से दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। वो 14 घंटे की फ़्लाइट होने जा रही है, और वहाँ पे 4 से 5 घंटे का लेओवर भी है, तो वहीं से मैं ट्राई करूँगा कुछ कुछ शॉपिंग कर लेने का, स्पेशली चॉकलेट्स। तो चलिए हम प्लेन के अंदर घुस गए और अपने सीट पकड़ते हैं। ये अभी हम पास कर रहे हैं बिजनेस क्लास सीट से, तो ये बहुत मस्त सीट होता है, लेकिन हमें मिलता है अपना इकोनॉमी सीट, सिंपल एक चेयर बैठने के लिए। Thank you.
devices from charging ports for takeoff and landing. If you drop your electronic device inside your seat, please do not operate the seat controls. Instead, contact a member of the cabin crew for assistance. अभी हमारा प्लेन टेक ऑफ कर गया है, लाइट भी डीम हो गई है और सारे लोग बिजी हैं मूवीज़ देखने में, कोई गेम खेल रहा है और थोड़ी देर में ही हमें डिनर भी सर्व की जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्री के ऊपर से फ्लाई करेंगे दोहा पहुँचने के लिए। तो ये देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड एयरपोर्ट जहाँ से हम टेक ऑफ कर रहे हैं और यहाँ से इंडियन ओशियन होते हुए भारत के ऊपर से हम जाएंगे और फिर दोहा पहुँचेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला रेड वाला लाइन, हम साउथ इंडिया को क्रॉस करते हुए दोहा जाएंगे और फिर वहाँ से वापस न्यू दिल्ली आकर इंडिया में आकर अपने घर जाएंगे। तो अब समय हो गया है गर्मा गर्म डिनर खाने का। तो डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों हमें प्लेन में हमारे टिकट के साथ ही आता है और मस्त मूवी के साथ ही खाने का इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए दोहा का सिटी कितना सुंदर लग रहा है प्लेन में बैठे ऊपर खिड़की से देखने पे। अब हम पहुंच गए हैं दोहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है और ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट भी है। और यहाँ से मैंने खरीद लिए और भी बहुत सारे चॉकलेट्स और निकल के न्यू दिल्ली के लिए जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है, उसके बाद हम जाएंगे पटना। ये लिया मैंने अपना बैग, इसके बाद टर्मिनल चेंज करेंगे और अपनी अगली फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट पटना के लिए पकड़ेंगे। अपने देश और अपने राज्य में आकर बहुत अच्छा लगता है और वो भी इतने दिनों के बाद, 4 महीने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और अभी रात ज़्यादा हो गई है तो मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए आज रात मैं होटल में स्टे करूँगा और घर कल जाऊँगा। रूम का टूर दिया जाए, ये रूम है, होटल मिला है, फ्लाइट से आने के बाद मैं घर कल जाऊंगा। आज यहीं पे फ्लाइट पे होटल में रुकूंगा, रात हो गई थी इसलिए घर नहीं जा रहे हैं, कल मॉर्निंग में घर जाएंगे। और पटना में तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे से पहले ये लोग आकर सो गए हैं मेरे बेड पे। दाल खाने से बिस्किट, चाय का टूट जाएगा तो मेरा ही बिल बनेगा। तो चलिए साइन ऑफ ब्लॉक के यहीं पे खत्म करते हैं। और 4 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस जहाज पे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत कुछ चैलेंजेस थे, बहुत सीखने को मिला। और आई होप कि मैं अपनी छुट्टी खत्म करके फिर से यहीं पे आऊंगा और लाइफ एट सी का सीरीज 2 फिर से स्टार्ट करेंगे और आप लोग उतना ही प्यार दिखाएंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।